बार हो गई है, ये माइक चल रहा है। पहले वो जो जोक था ठीक है, उस जोक में मैंने किसी भी, पहले तो मैं, आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हिंदू देवी, नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जो टेररिज्म और इस्लाम पे, और सेकंड हर वीडियो में ट्रिपल तलाक पे जोक है, मेरा गुर्के पे जोक है, बराबर। बट मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मुझे क्या, ये मुझे अलाउ करता है कि मैं आपके धर्म का मजाक उड़ा सकूं। आपने अल्लाह के ऊपर सर जस्ट लेट हिम स्पीक यार, उनको कहने दीजिए। आप उन्हें बोलने दीजिए, आप बोल रहे राम चंद्र गिव अ फक अबाउट, ये क्या है, ये भाषा क्या है भैया, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, ये आ रहा है घर पे गालियां, फोन नंबर लीक हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सबसे बात कर रहा हूँ बोल पर, काम डाउन है, लॉकडाउन है, ये है वो है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं सकता। उसके बाद 8 दिन के बाद मैंने नॉर्मल से एक फोटो डाला जिसमें शायरी वायरी लिख के, और उसके 10 दिन के बाद मैंने एक वीडियो रिलीज किया, और उस वीडियो के रिलीज में शायर मिंडर, उस वीडियो के एंड में मैंने प्रॉपरली क्लेरिफिकेशन में डाला है कि मेरा काम मजाक उड़ाना किसी का है, मेरा लोगों को हंसाने का काम है, अगर मेरे जोक से किसी के धर्म को या किसी के आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा, मेरा काम है। और वो वीडियो 15 दिन बाद अपलोड मैंने किया है, और आपने उसका एंड नहीं देखा होगा, तो मैंने फर्स्ट, इन्होंने जो कहा कि इसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, तो उसके लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लेरिफिकेशन डाला। सेकेंड चीज ये, जयपुर में जो शो कैंसिल हुआ वो कांग्रेस वालों ने या ये जिसने भी करा, वो अलग रीजन से कैंसिल हुआ, अलग रीजन से कैंसिल हुआ। मैं ट्रैवल करके जब 1500 किलोमीटर जाता हूँ और मेरा शो कैंसिल होता है, वो पैंडेमिक में जयपुर की 1.5 लाख रुपए की इकोनॉमी इफेक्ट होती, जो लोग बंद कराए उनका कुछ नहीं गया, मेरा भी कुछ नहीं गया, प्रोड्यूसर का 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मैंने सार्कास्टिक वे में वीडियो डाला कि इन लोगों ने मेरा शो कैंसिल करा दिया क्योंकि इनकी, इनसे ज्यादा मेरी सीट है, ये जोक था, दिस इज नॉट जोक, मैंने ये सही है। और रही बात भगवान की, गोधरा के मजाक की, सर मेरा घर जला था 2002 में, जूनागढ़ में था, मेरा घर जला था, आप एक बार सुन लीजिए, यहाँ ऑडियंस में से किसी को फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। आप आज यहाँ वादा करिए कि इस तरह का कोई भी गंदा मजाक आपको ठेस नहीं पहुंचेगी, और सुनिए मैं आपको ठेस नहीं पहुंचेगी, और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि सबका फेथ अलग अलग होता है, सब इंसान होते हैं ना, उसका फेथ अलग अलग होता है। मेरे को पत्थर लगता है ना तो मैं ऐसे फेंकता हूँ, मेरी बहन को पत्थर लगता है तो गिर जाती है, वही बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ अच्छा शो कैंसिल करने की बात कर रहे हो ना, हम कोई झगड़ा तो नहीं है, हम बात समझिए, आप बहुत इज्जत और बहुत आबरू के साथ आए, इंटरनेट पे आज कोई भी इंसान लो तेरी माँ का भोसड़ा करता है, ठीक है, आप बहुत इज्जत से आए, आपकी आस्था को जो ठेस लगी है ना वो सच में लगी है, इंटरनेट पे जो गाली देते ना उनको ठेस नहीं लगी है, वो फ्रस्ट्रेट है कि भाई लड़कियों के साथ घूम रहा है, बड़ी अच्छी लाइफ जी रहा है, इंटरनेट पे आपकी कम्युनिटी में जो गाली देते हैं वो छोड़ दिए, वो इंटरनेट ही बोल रहा हूं मैं, इंटरनेट हिंदू नहीं हूं, पहली बात समझो आप। और सर आप वहां से अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके लोग ये पीछे से गाली दे रहे हैं, कोई ना रिलैक्स, ठीक है छोड़ जाना,
ये बात कर रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं, आप इनको मजाक उड़ा रहे हैं। किसका मजाक? सर मैं ये कह रहा हूँ ना सर, सर 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 भाई धंधा दे रहा हूँ, आप कुछ भी करोगे वो बर्दाश्त नहीं करता। आप जो कर रहे हो चलेगा, अरे मुनावर भाई को पता है कैसे हैंडल करना, कर लें दो मिनट कर लें दो फिर हो जाएगा सब। सर एक मिनट सुनिए मेरी बात, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। Congratulations. तो आई थिंक इन्होंने सुपारी का कॉन्ट्रैक्ट भी अंबानी को दिया।